हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सर्दी हो चुका है शुरू बहुत ही अच्छे से, और आज का जो डिनर है वो मैं बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हूँ। अभी शाम हो चुकी है और ये जो रेसिपीज़ है ये बचपन से खाते आए हैं हम, और हर साल इस टाइम को ये बनाना ही पड़ता था हमारे मम्मी को। मैं हर साल बोलती थी ये बनाने के लिए। और डुग्गू को यहाँ पर मैंने पीने के लिए दिया था दूध, और वो अभी खुद से ही बहुत अच्छे से खा पी लेता है अपना खाना, मतलब जो भी होता है खाना, मतलब ये दूध वगैरह या फिर कुछ बिस्किट दे दिया, कुछ स्नैक्स दे दिया, वो बहुत अच्छे से खा लेता है। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि चावल का आटा घर पे या बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हो। तो ये जो चावल है हम इडली बनाते हैं वही वाला चावल है, उसको 1 घंटा भिगोने के लिए रखना है। फिर उसको एक कपड़े में अच्छे से फैला देना है। फैला देने के बाद वो क्या होता है, उसका जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो सोख कर लेगा कपड़ा। फिर उसके बाद हम मिक्सी जार में ले लेंगे और अच्छे से थोड़ी देर घुमाएंगे जब तक कि वो पाउडर ना बन जाए। सो मिक्सी में पाउडर बनाने के बाद हम छलनी में इस पाउडर को ले लेंगे और इसे अच्छे से हम अभी छान लेंगे। जो पाउडर है वो नीचे गिर जाएगा और जो दरदरा चावल है वो ऊपर रह जाएगा। तो उसको हम अगेन ऐसे ही मिक्सी जार में लेंगे और उसको फिर से पीसेंगे। तो उसको मैं फिर से जार में देखिए डाल रही हूँ, साथ में ले रही हूँ फिर से थोड़ा सा चावल, और इसी प्रोसेस में इसको अभी मैं कंटिन्यू करूँगी जब तक कि मेरा सारा चावल अच्छे से पिस ना जाए और हमारा चावल का आटा तैयार ना हो जाए। सो चलिए इसको फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं। हमारा चावल का आटा देखिए बनके एकदम तैयार हो चुका है, और लगभग 1 किलो चावल का आटा है ये। सो इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, उसके लिए इसको ये धूप में दिखाना पड़ेगा 2-3 दिन, तो आप अच्छे से स्टोर कर पाओगे क्योंकि अभी गीला है। और यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल लिया है, आज चिकन करी और चावल के आटा की रोटी बनेगी। हमारा आज का जो रेसिपी है वही जो स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले चावल का आटा को हमें बॉयल्ड पानी में इसे मिक्स करना पड़ेगा उसका डो बनाने के लिए, तो भी जो रोटी हम बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, एकदम कॉटन जैसा। तो इसको देखिए नमक दिया है मैंने थोड़ा सा पानी में, और जितने क्वांटिटी में आप चावल का आटा लेना चाहते हो उतने क्वांटिटी में आपको पानी देना पड़ेगा। फिर इसको अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मतलब चारों तरफ से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, और बेटू अभी पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठी है, उसके भाई के साथ टाइम पास कर रही है क्योंकि अभी शाम के जस्ट 5:30 हो रहा है। आज मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर ली हूँ डिनर बनाना, और यहाँ पे बेटू ने बनाया था एक बटरफ्लाई। तो चलिए चावल का आटा अच्छे से देखिए सेट हो चुका है, एकदम जम चुका है, पूरा टाइट डो बन चुका है। तो इसको मैं एक थाली में ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, चावल को आटा जो है वो अभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसको गूंदना होता है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो इसको अभी यही उसी वक्त इसको गूंदना होता है। और देखिए मेरा जो डो है कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, और एकदम सॉफ्ट डो बनाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने लोई भी बना लिया है, इसको अभी हम रोटी में बेलेंगे और तवे में अच्छे से सेकेंगे, एकदम फूली फूली जैसे हमारी आटे की रोटी बनती है वैसे ही बनेगा ये, और एकदम सॉफ्ट बनेगा। आप बोल सकते हो कि एकदम जो आटे का रोटी हम बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इसको हम फटाफट से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं, और फिर जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ ऐसे सेकती हूँ आग में वैसे सेकूँगी। तो देखिए मेरा रोटी जो है वो कितने अच्छे से फूल गया है। तो चलिए एक ही प्रोसेस में मैं सारे जो रोटीज़ है वो बना लेती हूँ, और चावल का आटा बहुत स्टिकी होता है तो चारों तरफ लग जाता है, और अभी तो विंटर है तो एकदम हार्ड हो जाता है,
और देखिए मेरा रोटी जो है कितना सॉफ्ट बना है। आप मुट्ठी में लोगे तो जब खोलोगे तो वैसा के वैसा ही रोटी है, एकदम सॉफ्ट। और इसको एकदम सॉफ्ट रखने के लिए आपको क्या करना है, एक साफ कपड़े में इसको ऐसे बाइंड करके रखना है, तो ये सुबह तक एकदम सॉफ्ट रहेगा। और चावल के आटे की रोटी के साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है चिकन करी, एकदम जूसी वाला, नॉर्मल सी, जैसे कि हम हर बार घर में बनाते हैं, मतलब बनाते रहते हैं वही वाला चिकन करी, एकदम सिंपल। और आज मैंने बहुत ही कम मसालेदार चिकन बना रही हूँ, आपको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, मसाला एकदम मैंने कम यूज़ किया है। सो जब भी बचपन में मम्मी ये बनाती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मज़ा ही आ जाता है जब भी ये बनता था। मतलब अभी तो क्या, अभी कोई संडे वगैरह नहीं होता है, अगर पहले तो संडे, मतलब संडे में चिकन हो गया ही होगा, एक रूटीन था, अभी तो कुछ रूटीन वगैरह है नहीं, जब भी मन करता है ले आते हैं, पर पहले वो एक था ना कि आज संडे है, आज घर में चिकन बनेगा तो बहुत अच्छा लगता है, और चिकन के साथ ये बनाओ तो बहुत भी अच्छा लगता है, कभी पुलाव बनाओ, पर अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आप लोगों के साथ बातें करते करते, चिकन मैंने अच्छे से भून लिया था, पानी भी डाल दिया है, गर्म पानी डाला है ताकि ये जल्दी से कुक्ड हो जाए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। बेटू ने तो बोला था कि मैं नहीं खाऊंगी, पर पता नहीं वो क्या करेगी। आगे आगे देखी थी, उल्टो पड़े चो, उल्टो 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 पड़े भाग गया। डिनर हो चुका है कंप्लीट, डिनर बनाना हो चुका है कंप्लीट, अभी 9 बज गया है। की बोलो बोलो पोरे छो, क्या पहना है ये? पापा की टोपी। ओए बो बोले, सैल्यूट कर दो, सैल्यूट। तो अभी बच्चे लोगों को खाना खाने खिलाने का टाइम हो चुका है, चिकन भी पक चुका है, तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मैं अभी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और दोनों बच्चों के लिए खाना परोस लूंगी। और डुगू अभी खड़ा है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, उसको जब भी मैं, मतलब उसको स्मेल आती है ना कि मम्मा कुछ बना रही है, अच्छे से स्मेल आ रही है, तो उसको जो वो अपने आप चला आता है टेस्ट करने के लिए। तो दोनों का मैंने ले लिया है डिनर, अभी चलिए दोनों को थोड़ा सा टेस्ट करवाती हूँ। सबसे पहले मेरा छोटा सा बच्चा, उसके बाद मेरा बड़ा बच्चा। डुगू को सबसे पहले ही देना पड़ता है, और बेटू गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका अभी नहीं चलती है ना, उसका भाई के ज़्यादा चलता है इसीलिए। तो बेटू को भी मैं टेस्ट करवा रही हूँ, वो नहीं चाहती थी चावल का आटे की रोटी खाना, पर उसको बाद में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। और उसके बाद हस्बैंड आने के बाद हमने भी डिनर करने के लिए अभी देखिए बैठ चुकी हूँ, ले लिया है हमने, अब ये है मेरा प्लेट। तो चलिए अभी डिनर करते हैं, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है गाइस। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।